परिवहन निगम अधिकारियों को दिया समय हुआ खत्म। फरवरी माह में परिवहन निगम मुख्यालय पर होगा विशाल धरना प्रदर्शन। हैदरगढ़ी आरएम के निलंबन की मांग। नमस्कार, आज हमारे बीच में मौजूद हैं सेंट्रल रीजन वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह जी मौजूद हैं। इन्होंने जैसा कि आए परिवहन निगम में लगातार जो भ्रष्टाचार, लोगों की आवाज़ को बुलंद करना, शोषण के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कई समय से आ रहे हैं, इन्होंने ही लगभग, जसवंत जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आपने नवंबर माह में प्रबंध निदेशक MD से जो बात किए थे और आपने बात के माध्यम से अपने जो बातें रखी थी, आपको एक समय दिया गया था 1 माह का, वो समय पूरा हो गया है, आप आगे के लिए क्या कदम है आपका? देखिए, जैसा आपने बताया कि संगठन के द्वारा परिवहन निगम की तमाम समस्याओं को एकत्र करते हुए एक मांग पत्र प्रबंध निदेशक महोदय को दिया गया था, जिसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और शासन को दी गई थी। उसके अंदर MD साहब से 20 नवंबर को वार्ता हुई थी। उस वार्ता के दौरान उन समस्याओं के निदान का जो है MD साहब ने आश्वासन दिया था, उसके आधार पर हमने सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए 1 माह का समय दिया गया था। लेकिन किन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इस पर हमारी चर्चा हुई और संगठन और कर्मचारियों के, परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए अब संगठन के द्वारा दिनांक 5/2/2024 को कानपुर में एक बृहद प्रदेश कार्य समिति की है और क्षेत्रीय अध्यक्ष मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। उस आयोजन के बाद निश्चित रूप से एक बृहद आंदोलन परिवहन निगम मुख्यालय पे किए जाने की तैयारी संगठन कर रहा है। अब उसमें जैसे प्रमुख मांगे हैं, आज हमारी सरकार योगी जी की जनप्रिय सरकार है, कर्मचारियों के लिए सभी बार बार एक आर्डर हुए हैं कि देय किसी के बकाया ना रहें, आंदोलन ना हो, लिहाजा सभी संगठनों से वार्ता करके समस्याओं का समाधान किया जाए, छोटे कर्मचारियों का शोषण ना हो, उत्पीड़न ना हो और भ्रष्टाचार के प्रति तो संभवतः सभी, पूरी प्रदेश की जनता ही नहीं, देश के लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन परिवहन निगम के अंदर जो मनमानी और भ्रष्टाचार है वो घोर है, अति चरम सीमा पर है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, गाड़ी लगानी हो, नई गाड़ी अलाट करनी हो, रूट अलाट करना हो, पटल अलाट करना हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे तमाम पटलों पे पटल परिवर्तन हुए और स्थानांतरण हुए। और कारण उसका, पटल परिवर्तन का कारण ये होता है कि कोई भी लिपिक या जो भी व्यक्ति है वो उस पटल का दुरुपयोग ना करने, मोनोपोली ना चलाने लगे, धन अर्जित ना करने लगे। लेकिन परिवहन निगम के अंदर पूरे प्रदेश में अगर देख लिया जाए, मैं तो माननीय योगी जी से अपील करूंगा कि एक जांच लगाई जाए परिवहन निगम में कि माननीय उत्तर प्रदेश शासन चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो ट्रांसफ़र हुए थे, नियम के अनुसार हुए थे, वो ट्रांसफ़र आज भी वैलिड हैं या वो वापस इधर उधर कर दिए गए। जैसे एक असद गदीर जो बरेली के बदायूं डिपो में है, उसके संबंध में मैंने कहा था, शिकायत भी की थी, उसको 4 महीने वो वहीं पे मौजूद रहा और उसके बाद वो वहीं पे वापस पोस्टिंग कर दी गई और वापस उसी पटल पे उसको कर दिया गया। अभी बीच में अंदर उसने एक बदतमीजी की, उसको भी नज़रअंदाज करते हुए उसको माफ़ कर दिया, जबकि वो वीडियो में वायरल हुआ, शिकायत वायरल हुई, गवाहों ने गवाही दी कैमरे पे। इसी प्रकार जैसे हमारे 10% DA महंगाई भत्ता कर्मचारियों को रेगुलर को नहीं मिला है, संविदा के वेतन के संबंध में मैंने कई बार कहा वो संविदा का वेतन नहीं मिला, आज जो उनको फैमिली पास देने की बात है वो फैमिली पास की भी पूरे प्रदेश के अंदर व्यवस्था नहीं है। और एक मांग हमारी बहुत पुरानी थी जिसपे 2012 में समझौता है कि गाड़ी अगर 24 घंटे से ज़्यादा ब्रेकडाउन रहती है तो उसको रात्रि भत्ते के नाम पर
प्रत्येक दिन के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से, तो वो 2012 का मामला था। आज कम से कम जो गाड़ी अगर 2 दिन ब्रेकडाउन रहती है 24 घंटे से ज़्यादा, तो उसको 200 रुपया प्रतिदिन कम से कम खाने पीने का पैसा तो, चौकीदारी का पैसा तो दिया ही जाना चाहिए। इसी तरीके से मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है क्षेत्रों में। मुख्यालय का जैसे अभी एक आदेश है कि भाई बिना जांच कार्रवाई के संविदा समाप्त नहीं की जाए, कितने लोगों की संविदाएं इस तरीके से समाप्त हो रही है। आज छोटे छोटे मामले में आय नहीं आ रही है, विभाग पूरी तरीके से जान रहा है, परिवहन विभाग जान रहा है, शासन जान रहा है कि डंगा मारी की वजह से आय नहीं आ रही है, लेकिन परिचालकों की रिकवरी हो रही है। तमाम डीजल की कटौतियां, तमाम एक्सीडेंट की कटौतियां, मैं तो एक प्रश्न करना चाहता हूं सरकार से भी और शासन से भी और न्यायालय के उच्च न्यायाधीश महोदय से भी कि इस परिवहन निगम को चलाने की जिम्मेदारी क्या केवल चालक परिचालक की है क्या? सारी डैमेज की रिकवरी, डीजल की रिकवरी, आय की रिकवरी, सब चालक परिचालक जो संविदा में काम करते हैं, जो कि कोई 10,000, कोई 18,000, कोई 15,000 पा रहा है, वो किस मुसीबतों से जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है और परिवहन निगम को एक स्तंभ की तरह संभाले हुए है, और उनकी तमाम कटौतियाँ क्यों हो रही है? अभी जैसे ताज़ा उदाहरण लखनऊ का ही है, अभी जैसे ये हड़ताल हुई थी ट्रक चालकों की, हमारे सभी संगठनों ने इसका विरोध किया कि भाई हम हड़ताल ऐसे नहीं जा सकते कि हम एक जिम्मेदार हैं। उसी में हमारे एक जिम्मेदार साथी का जो है संविदा समाप्त कर दी गई। मैं उसकी संविदा बहाली करने की बात नहीं करता हूं। अगर एमडी साहब के आदेश हैं और एक्चुअल में थे, गुमराह करने के नहीं थे कि बिना जांच कार्रवाई के संविदा समाप्त नहीं की जाएगी, तो तत्काल प्रभाव से एआरएम उपनगरी का निलंबन होना चाहिए। जांच की बात तो बाद में है, और जांच क्यों नहीं हुई और अब तक क्यों नहीं हुई? इस तरीके से वो तमाम मुद्दे हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स में करोड़ों करोड़ रुपए की सालाना खरीदारी होती है। हमारा बस बेड़ा पुराना हो गया है, लेकिन वो स्पेयर पार्ट जो है कहाँ है? क्यों गाड़ियाँ ब्रेकडाउन हो रही है? क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि हमारे पास सामान नहीं है? हमारे लोग, ड्राइवर कंडक्टर रास्ते मार्ग में परेशान हो रहे हैं। उसके बाद तकनीकी खराबी के कारण डीजल का औसत कम आ रहा है, रिकवरी झेल रहे हैं। ऐसी वो तमाम समस्याएं हैं जिनको हमने पूर्व में दिया था। हमने एक महीना होने जा रहा है, 12-13 तारीख को एक महीना हो जाएगा लगभग, हमने 15 दिन का समय की बात कही थी। हमने नोटिस इनको पुनः दे दिया था कि उन्हीं पुरानी मांगों में पुनः वार्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, वार्ता करें या ना करें, लेकिन समस्याओं का निस्तारण तो होना चाहिए ना। तो समस्याओं का निस्तारण अगर नहीं होता है, तो 5 तारीख की बैठक में हम निर्णय लेकर के आगे आने वाले आंदोलन की घोषणा हम करेंगे, जो कि परिवहन निगम मुख्यालय पे होगा। कुछ समय के लिए हो सकता है हम सांकेतिक रूप में 2-4 दिन का, 5 दिन का जो है धरना प्रदर्शन लगाएं, क्रमिक अनशन लगाएं, भूख हड़ताल लगाएं, और फिर भी बात नहीं मानती होती है तो जिस निश्चित तौर पे हम जिस दिन धरना लगाएंगे उसी के 5-4 दिन के अंदर हम एक जनमत संग्रह करेंगे, और उस जनमत संग्रह के साथ हम आदेश लेके इस परिवहन निगम के 55,000 कर्मचारियों के लिए जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश परिवहन निगम का उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करने की तैयारी करेंगे। धरना, विशाल धरना प्रदर्शन की आपने बात की, जिस तरीके से मुख्यालय के आदेश होने के बाद भी उनका पालन नहीं किया जाता, तो इन तमाम तरीके की जो बातें उठ रही हैं और जिस तरीके से कुछ अधिकारियों के द्वारा छवि धूमिल की जा रही है। अगर आपने पीछे एक बात कही थी कि मुख्यालय का आदेश तो होता है लेकिन उसका पालन नहीं होता, तो इसको कड़ाई से पालन करने के लिए आप धरना प्रदर्शन में एक विशेष रूप से क्या कहने वाले हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन सीधा सीधा हमारा विरोध का स्वरूप है, जो जनतंत्र और लोकतंत्र के अंदर है, हमको अधिकार है, हम अपनी बात कह सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की ही बात नहीं है, ये अधिकारों के और हक की लड़ाई है, और वो भी हम सिस्टमेटिक तरीके से बाकायदा नोटिस देकर के कार्रवाई करने जा रहे हैं।
बात रही कि परिवहन निगम के आदेशों, मुझे तो नहीं लगता है, आज मैं निश्चित तौर पे अपने अनुभव के हिसाब से, 40 साल के अनुभव के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, इस समय वर्तमान में परिवहन निगम की वो स्थिति है, वो आपो की स्थिति है कि ना तो कोई निगम मुख्यालय की सुन रहा है, ना वो कोई किसी की सुन रहा है, क्षेत्रों में और डिपो के अंदर सब तानाशाही और मनमानी चल रही है। और मैंने एक अपनी बाइट में कहा था रक्त बीज, ये रक्त बीज का एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलता है, उसको एक के अगर उसको काटा जाएगा तो उसकी जब बूंद जमीन पे पड़ेगी तो कम तमाम उस प्रकार के असुर पैदा हो जाएंगे। आज इस परिवहन निगम में कहना प्रमाणिक तौर पे मैं ये अपने आप सिद्ध होता है कि लोग भी इंटेलिजेंस वाले पकड़ते हैं, तमाम अधिकारी जेल गए हैं। तो ऐसे अगर सरकार अगर चाहे, मैंने उसमें भी अपील की थी आपके चैनल के माध्यम से, भी माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि एंटी करप्शन की एक पूरी ब्रांच इस परिवहन निगम में लगा देनी चाहिए, और जो भी इसमें भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है या नहीं भी पकड़ा जा रहा है तो उनकी संपत्ति जो है कि जाँच भी कराना बहुत आवश्यक है कि कहीं तो हमारा 35,000 आउटसोर्सिंग और संविदा का कर्मचारी भुखमरी के कगार पर है, और कुछ एक 200-400-500 की संख्या के लोग अगर भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति जमा कर रहे हैं तो उसमें भी होना चाहिए, जब बड़े बड़े राजनेता जेल जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा। अच्छा, आगे धरने की प्रदर्शन की तारीख जब कब से कब तक हो सकती है, आपका कुछ विचार है? 5 तारीख को हमारी मीटिंग में एक फैसला होगा, हो सकता है कि ये 12 से 15-16 के बीच के अंदर ये तारीख तय होगी, फरवरी की कहना चाहता हूँ। जैसे आप ये बताइए कि हमारे यहाँ कंपनसेशन, चूँकि हम ट्रैफिक के लोग हैं, कंपनसेशन एक्ट का कोई फ़ायदा हमारे लोगों को नहीं मिलता है और न ही विभाग कोई कंपनसेशन देता है, लिहाजा उसी के आधार पर हमारे मृतक आश्रितों को नौकरी मिलती है। तो आज हमारे 6 साल से हमारे मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई है। एक अभी मेरी वार्ता के बीच में MD साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 2001 तक के, चूँकि वो एक अप्रेंटिस के लोग भर्ती हुए थे, उसको आधार मानते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं, वो 2001 तक के हमने भर्ती कर दी है, संविदा के चालक को नियमित कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस आदेश को पुनः पढ़ लिया जाए, 2001 तक के जितने भी हैं सभी के नियमितीकरण की बात थी, तो 2001 तक के जितने भी लोग बचे हुए हैं उनका नियमितीकरण होना चाहिए। शासन में हमारी मांग चल रही है, हमारी राज्य कर्मचारी संघ परिषद जिसके हम घटक दल हैं उनके द्वारा भी मांग की गई है कि 2013 तक के संविदा के लोगों को नियमित किया जाए। माननीय योगी जी भी कह चुके हैं कि नई भर्तियों में पहले संविदा और फिर नियमितीकरण। तो मैं मांग करूंगा कि परिवहन निगम में तत्काल प्रभाव से 3-4 हज़ार बसों का, नई बसों का बेड़ा जोड़ा जाए, पुरानी बसों को रिटायर किया जाए, साथ ही साथ हमारे यहाँ कम से कम 10,000 नियमित नियुक्तियाँ चालकों पर चालकों की होना अनिवार्य है, उसको किया जाना चाहिए। अधिकारियों की कमी है, उपाधिकारियों की कमी है, उसमें बनना चाहिए। दोनों केंद्रीय कार्यशालाएँ जो कि एक तो अभी डैमेज हो रही है, थोड़ी उसमें हो रही है, एक ही कार्यशाला है तो उसको नवीनीकरण करके उसको उच्च स्तरीय लाना चाहिए, उसमें तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि अगर नियमित कर्मचारियों का और आउटसोर्सिंग का अगर बैलेंस को बनाए नहीं रखा गया तो निश्चित तौर पे ये विभाग तो ख़त्म ही हो जाएगा। निजीकरण के लिए हम विरोध में नहीं है, आप PPP मॉडल में आप बस अड्डे बनाएं, लेकिन उसकी शर्तें जो है परिवहन निगम के हित को देखते हुए की जाए। 90-90 साल, 50-60 साल की लीज में ना दिया जाए इसको, 20-15 साल, ताकि उसका उपयोग परिवहन निगम में आए वैसा किया जाना चाहिए। अभी तमाम जो निज PPP मॉडल में, जैसे आलमबाग डिपो है वहाँ पर बस स्टेशन, वहाँ देख लीजिए तमाम वो खामियाँ मिलती है, तो उनको दूर किया जाए। हम किसी भी सरकार के निर्णय से हम विरोध में नहीं है, लेकिन अगर वो निर्णय निगम के हित में नहीं है और कर्मचारी के हित में नहीं है तो हम विरोध करेंगे। जैसा कि सेंट्रल रीजन वर्कशॉप कर्मचारी संघ के जसवंत सिंह प्रदेश महामंत्री ने बताया कि जो मांगे रखी थी वो पूरी तो नहीं, वो समय भी ख़त्म हो गया,
और आने वाली फरवरी में जो एक निश्चित समय पर आने पर एक दिनांक डेट फिक्स की जाएगी, उस आधार पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराने के लिए एक विशाल धरने का आयोजन होगा। अब देखना होगा कि आखिर प्रबंध निदेशक से लेकर जितने भी कर्मचारी संविदा और चाहे वो नियमित हों कि आखिर कितना समर्थन होता है और इन बातों को आला अधिकारी किस तरीके से संज्ञान में लेते हैं। आपके साथ मैं तवरेज़, लखनऊ।